हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एडवेंचर्स लर्निंग। हम लोग आज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन जो है वो स्टैंडर्ड 10 के पहले चैप्टर की है, जो हमारे डिक्लाइंड पोर्शन, मतलब पोर्शन डिक्लाइन होने के बाद भी हमारे सिलेबस में आ रही है। सो वो है पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। सो लाइफ प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड 10 के लिए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं, ये तो श्योर है। तो आज हम लोग जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में, उनके आंसर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चंस आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, मैं आज कुछ 10-12 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो सब इतने इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना कि अगर आप उनको जानते हो और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आप क्लियरली उसका आंसर कर सकते हो। सी जितने भी हमारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं या जो स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वेज में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और उनका आंसर आपको कैसे करना है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस, इसका हमने सारा वीडियोस जो है हमारे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। अगर उसको देखने के बाद भी कन्फ्यूजन्स रहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली चैट में या फिर कमेंट में बता सकते हो कि मैम मुझे ये वाली चीज़ में ये डाउट है, तो मैं आपको उसे सॉर्ट आउट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा बच जाता है चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद क्या करते हैं हम लोग स्कूल्स में भी नॉर्मली या ट्यूशंस में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर्स देखने के बाद हमें एकदम क्लियर हो जाता है कि हमने जो एक्सप्लेनेशंस देखे हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं, मैम ने जो समझाया है वो सब तो क्लियर था ही, पर हम उनको वर्ड्स में लिख पा रहे हैं या नहीं। ज़रूरी नहीं होता ना कि हमें जो चीज़ें समझ में आ रही है उन सब चीज़ों को हम लोग वर्ड टू वर्ड लिख पाएँ। तो उसके लिए क्या टैक्टिक्स हो सकते हैं या किस तरह से हमें अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, क्योंकि टीचर जो आपका एग्जाम का पेपर, बोर्ड का पेपर चेक करेंगी, वो तो ये नहीं जानती है कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है, इसको आंसर पता होता है तो इसको पता होगा। वहाँ तो वही देखा जाएगा जो आपने पेपर में लिखा है। सो पेपर को कैसे अपना रिप्रेजेंटेबल बनाना है, अच्छा बनाना है, कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, उसका प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। सो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बहुत ही सिंपल वर्ड्स में है, आपको आराम से समझ में आएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसे मैं बताऊंगी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आज का है हमारा, इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक सेल होती है, और मल्टी सेल्यूलर जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती है। सिंगल सेल्ड एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में वो सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आते हैं जिनको हम लोग अपने नॉर्मली आई से देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत उन्हें देखने के लिए नहीं पड़ती है। सिंगल सेल्ड एनिमल्स जो है ना वो बहुत छोटे होते हैं क्योंकि उनमें एक सेल है, तो ऑफकोर्स छोटे से ही हैं, तो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन इज सफिशियंट टू मीट ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट। नाउ एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसा मैंने पहले वीडियोस जब अपलोड किए उसमें भी मैंने बताया है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जो डिफ्यूजन होती है वो कर पूरा परफॉर्मेंस करने के लिए, पूरे लाइफ की चीज़ें करने के लिए, खाना खाना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, एक्सक्रीशन करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट करना, रेस्पायर करना, हर चीज़ एक सिंगल सेल ही कर लेता है। एक सिंगल सेल इतना एफिशिएंट है, इतना काबिल है कि वो अमीबा के बॉडी की या पैरामीशियम के बॉडी की सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। लेकिन ऐसी सिमिलर चीज़ जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है, नॉट इन केस ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एक्सप्लेन द रीज़न फॉर द डिफरेंस, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक ही सेल सारी चीज़ें कर लेती हैं लाइफ की, सारी चीज़ें, खाना खाने से लेकर के पचाने से लेकर के एक्सक्रीट करने तक सारी चीज़ें कर लेती हैं, बट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल काफ़ी नहीं है। हमारे बॉडी में कितनी सारी चीज़ें हैं ना, पहले हमारे बॉडी में सेल है,
सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के टिश्यूज बने हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बने हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारा पूरा बॉडी बना है। सो एक सेल तो पॉसिबल नहीं है, हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसका अलग अलग फंक्शन है। जैसे कि आईज का काम है देखना, तो सिर्फ आईज देख सकती है, आईज कभी छींकती है? नहीं। नोज का काम है सांस लेना, छींकना, ठीक है, तो नोज छींकती है, ठीक है। माउथ का काम है बोलना, तो हमारा माउथ ही बोलता है। कभी आप नाक से बोलने का कोशिश करना, यू वोंट बी एबल टू, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो चीज़ जिसके लिए बनी है वही करती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनमें इतने सारे सेल्स हैं अलग अलग काम करने के लिए, लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें एक ही चीज़ मतलब हर फंक्शन परफॉर्म कर लेती है। सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन अब्सॉर्ब सफिशियंट ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट कॉन्टैक्ट विद द एटमोसफेयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होती है ना, उनका पूरा बॉडी एटमोसफेयर से कॉन्टैक्ट में होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ स्ट्रक्चर, देखो ये है अमीबा, ठीक है, ये एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है। अमीबा को आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें मतलब बड़ा फ्री हैंड काम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अमीबा किसी भी तरीके से कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, एक बात याद रखोगे सिर्फ कि उसके बीच में एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है। ये है अमीबा, ये है हमारा पूरा एटमोसफेयर। तो अमीबा का देखो हर बॉडी पार्ट जो है ना, वो एटमोसफेयर से कॉन्टैक्ट में, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, जैसे जो चाहिए सब मिलेगा। लेकिन हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारा किडनी डायरेक्ट हवा में है? नहीं है, एनवायरनमेंट में नहीं दिख रहा है। हमारे लंग्स, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा हार्ट, कुछ भी जो हमारे बॉडी के स्किन के अंदर है, सारी चीजें है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में, सिर्फ स्किन है। इसके अंदर की चीजें जो है उसके ऊपर एक लेयर है, कवर है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कैन अब्सॉर्ब सफिशियंट ऑक्सीजन, इनको भरपूर ऑक्सीजन मिल सकता है एनवायरनमेंट से, क्योंकि इनका जो सारा पार्ट है वो हवा में, एटमॉस्फेयर में फ्रीली है, एकदम कंप्लीट कांटेक्ट में है। बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? ह्यूमन बींग्स, द रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन बिकम्स वेरी लेस बिकॉज ऑल सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एटमोसफेयर। लेकिन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या होता है कि क्योंकि सारे पार्ट्स हमारे बाहर में नहीं है, एटमोसफेयर से रिलेशन में नहीं है, तो जो ऑक्सीजन जो हमें अब्सॉर्ब करना होता है, अब्सॉर्प्शन होनी चाहिए, वो उतनी नहीं हो पाती है, जिसके लिए एक सेल काफी नहीं है। सब लोग थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट करके देंगे तो हमारे पूरे बॉडी को मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी एक चीज पे छोड़ दिया जाए तो वो हमारी शॉर्टेज हो सकती है। द अब्सॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन बिकम्स वेरी लेस, क्यों लेस? क्योंकि हमारा जितना भी बॉडी पार्ट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हम लोगों को, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। हम लोग एक बार में कितनी ही बार सांस, 1 मिनट में कितनी ही बार सांस ले लेते हैं, तो इतनी बार सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं ऐसे ही? नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में इतनी ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम लोग बार बार इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, क्योंकि वो सांस जब हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो है, हमारे बॉडी में अगर एक चीज ही सिर्फ काम करेगी ऑक्सीजन से, बाकी नहीं करेगी, तो सारे डेड हो जाएंगे, वी विल डाई। हम लोग 5 मिनट अगर मुंह ढक के आप सो जाओ, आपको प्रॉपरली ऑक्सीजन ना मिले, तो आपका मतलब अकबकी सी आपको लगने लगती है, आप एकदम सफोकेशन फील करने लगते हो, है ना। तो ये जो है, हमारे बॉडी की जो ऑक्सीजन नीड है वो बहुत ही ज्यादा होती है टू सस्टेन लाइफ प्रोसेस, ताकि हम लोग अपने लाइफ का सारा प्रोसेस कर सकें, ईटिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इवन स्लीपिंग, सोने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाई द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो कि सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस से कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबर सेकेंड क्वेश्चन इज, आई होप दिस नंबर वन इज क्लियर टू यू ऑल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स। अब हम लोग आ रहे हैं प्लांट्स की तरफ, तो प्लांट्स में एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स में जैसे हमारे में भी होता है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं हमारे बॉडी से. वैसे ही प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कौन कौन से गैसेस का होता है? CO2 और O2 का. CO2 जाता है तब O2 बाहर निकलता है. ठीक है, एक प्लांट में CO2 आ रहा है और O2 बाहर निकल रहा है. तो ये दो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि प्लांट्स में होते हैं, एक्सचेंज में आते हैं. अकर इन प्लांट्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, हर जगह से हो रही होती है. जैसे हमारे में सिर्फ नोज है ना, कई बार हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो नोज मेनली हमारा जो है रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम करता है. ऑक्सीजन लेता भी है, CO2 छोड़ता भी है. लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये सभी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. सभी लोग मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 के साथ में गेम खेल रहे होते हैं. सो इन प्लांट्स देयर आर टाइनी पोर्स. इसका क्या है, क्यों होता है ऐसा, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में. देखो, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि आप मुझे CO2 और O2 का प्रोसेस बताइए या किस तरह से प्लांट में एक्सचेंज होती है, नहीं पूछ रहा है. क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे गैसेस का नाम ही नहीं लिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट्स अक्रॉस द सरफेस, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स दिया है, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया. अदरवाइज ये क्वेश्चन नॉर्मली अगर डायरेक्टली हम आपसे पूछें तो ये क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के दिया है तो हमें समझने की जरूरत थी कि हमें एक्चुअली में बोलना क्या है, बताना क्या है आंसर में. सो इन प्लांट्स देर आर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. प्लांट्स में कुछ बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं. और ये जो स्टोमाटा होता है ना, वो लीव्स के ऊपर होता है. सपोज ये एक लीफ है, ठीक है, दिस इज अ लीफ. और लीफ के ऊपर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेदे छोटे 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 छोटे, इनको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा. क्या कहते हैं? स्टोमाटा. ये ओपनिंग पोर होती है, ठीक है, पोर्स जो है ये खुलती बंद होती रहती हैं. एंड ऑन लीव्स एंड लेंटिकल्स एंड स्टेम, जैसे कि लीव्स में स्टोमाटा होती है, वैसे ही स्टेम में लेंटिकल्स होती हैं. ठीक है, विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को करने में हेल्प करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, उनको प्रोवाइड करवाती है वो फैसिलिटी कि वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाए. कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, CO2 प्लांट्स के अंदर जाता है और ऑक्सीजन गिवन आउट, बाहर आता है. कब आता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. और इसका ऑपोजिट होता है रेस्पिरेशन में. हम लोग जब सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं. और प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है. प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 अंदर लेते हैं और हमारे लिए O2 बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, सो ये था प्रोसेस. दो तरीके से बताया गया है इसमें, स्टोमाटा जो होते हैं लीव्स में वो करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और लेंटिल्स जो होते हैं वो होते हैं स्टेम में, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं. सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो कब होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान. और वो गैसेस जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स. प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बाय द जाइलम वेसल्स. वाटर एंड मिनरल जो है प्लांट में, अच्छा प्लांट में जैसे हमारे बॉडी में नर्वस है, नर्व्स हैं ये जो आपको ब्लू यहाँ पे दिख रहे होते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी में ही है हमारे नर्व्स, तो हमने नर्वस सिस्टम में क्लास 9 में पढ़ा है ऑलरेडी, राइट. सो ये जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, राइट, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाते हैं. सिमिलरली प्लांट्स के जो नर्वस सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, ये जो है दो, इनको हम लोग कहते हैं प्लांट्स के नर्व्स, प्लांट्स की नसें. ठीक है, तो इससे होता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. कैसे होता है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट बाय द जाइलम वेसल्स. रूट्स में जब प्लांट होता है ना, देखो ये है हमारा सॉइल लेवल, ठीक है, ये है हमारा प्लांट, ये है हमारे रूट्स,
ठीक है। जाइलम वेसल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से सॉइल से मट्टी को, सॉरी मट्टी से पानी और मिनरल्स को खींचकर प्लांट की तरफ ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है, मट्टी से उठा करके प्लांट्स तक पहुंचा रहा है, जाइलम। दीज आर अ पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम विच ऑल्सो इंक्लूड्स फ्लोएम वेसल्स। तो एक डायरेक्शन तो ये हुआ कि जमीन से खींच रहा है, मिट्टी से खींच रहा है और ऊपर प्लांट को दे रहा है, क्योंकि जो मिनरल्स हैं, जो वाटर है, वो प्लांट को चाहिए। और प्लांट में जब हम वाटरिंग करते हैं, कोई प्लांट जब आप लगाते हो, वाटरिंग करते हो, तो आप प्लांट में पानी छिड़कते हो? नहीं, मट्टी में पानी देते हो, है ना, ताकि रूट्स जो है वो उसे अब्सॉर्ब कर ले। सिमिलरली जैसे हमने जाइलम के बारे में बात किया, जाइलम क्या कर रहा था? वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर रहा था। ठीक है, हमारा क्वेश्चन भी वही था, वाटर और मिनरल से रिलेटेड, ये तो हमने बता दिया, बट क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जानते हैं तो हमें फ्लोएम के बारे में भी बताना है। डिपेंड्स अपॉन कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स में आता है। अगर 2 मार्क्स में आएगा तो जाइलम तक बता के इनफ, अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको फ्लोएम के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है और ट्रांसपोर्टेशन में दोनों चीजें उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी। सो जाइलम के बारे में हमने बता दिया, जाइलम सॉइल से वाटर और मिनरल को लेके प्लांट्स के ऊपर तक लेके जाती है, बट फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम का काम है पका हुआ खाना को प्लांट के दूसरे स्टोरेज हाउसेस तक लेके जाना। हमारे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, वो है वहां के किचन। ठीक है, जैसे हमारे घर में किचन होता है जहाँ पे खाना बनता है, वैसे ही प्लांट्स का जहाँ पे खाना बनता है वो है लीफ, पत्ते। तो पत्तों में बनता है प्लांट का खाना, और इसीलिए पत्तों को प्लांट का किचन कहा जाता है। लीफ आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट्स। तो किचन में खाना तो बन गया, ठीक है, अब उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा। हमारे पास तो फ्रिज है, प्लांट्स के पास क्या है स्टोर करने के लिए? या हम लोग तो खाना बनाते हैं, किचन में खाना बचा हुआ है, हमने खा लिया, जो बच गया वो हम उठा कर ले जाते हैं और फ्रिज में रखते हैं, पर प्लांट में ये काम कौन करेगा, है ना? तो प्लांट में ये काम करेगा फ्लोएम, जितना इसको जरूरत है प्लांट्स को उतना वो कंज्यूम कर लेगा, मिल जाएगा उसे। बाकी जो बचा हुआ एनर्जी होगा, जो बाकी बचा हुआ स्टार्च होगा, जो बाकी बचा हुआ फूड होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो हमेशा चल रहा है ना, तो बहुत सारा खाना बन जाता है, और वो बहुत सारा खाना तो प्लांट नहीं खा रहा है, प्लांट तो जितना भी खाना बनाता है उसका 1% या 2% अपने यूज में लेता है, बाकी का हमें दे देता है। एप्पल का ट्री है तो 2% एनर्जी वो अपने लिए रखेगा, बाकी का 88 को एप्पल बना के हमारे लिए स्टोर करके रखता है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है? देखो, स्टार्च के फॉर्म में, एनर्जी का एक फॉर्म है स्टार्च, उसमें सेव करके रखता है। तो फ्लोएम क्या करता है, जो पका हुआ खाना है, जो लीफ ने यहाँ पे खाना बनाया है, वो जो पका हुआ खाना है उसे प्लांट के दूसरे स्टोरिंग जगह पे लेके जाता है। स्टोरिंग जगह कौन कौन से हैं? जो फ्रूट वाला प्लांट है, एप्पल वाला प्लांट है, तो फ्रूट्स में रहेगा, सीड्स में रहेगा। ठीक है, पालक है तो पत्तों में रहेगा, स्पिनच, सॉरी हाँ, पालक तो हो गए पत्ते वाले, रूट्स वाले हो गए, रूट्स वाले किस में रहेंगे? कैरेट और रेडिश वाले जो हैं, कैरेट और रेडिश वो हैं आपके रूट स्टेम्स। ठीक है, रूट वाले जो वेजिटेबल्स हैं तो रूट्स में जमा होंगे। कुछ हैं जैसे कि आपका स्टेम में जमा होने वाले, जैसे शुगर केन, शुगर केन में जितना भी एनर्जी बना हुआ रहेगा वो सब उसके स्टेम में रहेगा, क्योंकि शुगर केन तो खुद ही एक स्टेम है। ठीक है, तो शुगर केन का स्टेम में सेव होगा। से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में, डिफरेंट डिफरेंट जगह में वो एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, वो खाना स्टोर होती है, और उसके बाद हम लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं। देखो, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, जो खाना बना हुआ रहता है विद इन द प्लांट। प्लांट के भी तो हर पार्ट को जरूरी है ना, पत्तों में तो बन रहे हैं, पत्ते तो खा लेंगे उसे, लेकिन स्टेम को, रूट को, सबको तो चाहिए। तो कहाँ कहाँ लेके जाता है ये जाइलम? विद इन द प्लांट टू ऑल पार्ट्स, सभी पार्ट्स में लेके जाता है, स्टेम, रूट, फ्रूट्स, इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में काम करते हैं। अच्छा, जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, सॉइल से पानी लेता है और प्लांट को ऊपर की तरफ लेके जाता है, जाइलम। और फ्लोएम जो है वो बाई डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल मतलब हर तरफ जाता है। ठीक है,
लीव्स में भी जा रहा है, रूट्स में भी जा रहा है, स्टेम में भी जा रहा है, सॉरी रूट्स में भी जा रहा है, स्टेम में भी जा रहा है, पत्तों में भी जा रहा है, ब्रांचेस में भी जा रहा है, फ्रूट्स में भी जा रहा है। तो ये है बाई डायरेक्शनल, हर जगह जा रहा है, उतर भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन जाइलम सिर्फ ऊपर की तरफ पानी पहुंचाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी, क्योंकि हम लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। मुझे लगता है स्टैंडर्ड 6-7 से हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। द फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट। हम ऐसे तो बहुत सारे हैं, क्लोरोफिल है, फिर आपका सनलाइट है, सच सनलाइट तो इसमें है, मिनरल्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने तीन ही इंक्लूड किए हैं, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना वो 2-3 मार्क्स के ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। हमें एग्जाम में टाइम भी तो सेव करना होता है। अगर हम लोग सारा 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में ही अपना सारा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे तो लॉन्ग आंसर्स कब सॉल्व करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री कब सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं, CBSE के हो, ICSE के हो, चाहे जैक बोर्ड के हो, क्वेश्चंस आपको इतने ही दिए जाते हैं कि आप लिमिटेड आंसर लिखो, सही लिखो और आपको अच्छे स्कोर मिल जाए। टाइम भी तो हमारे पास कम होता है, 3 घंटे में बहुत लेंथी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, तो हम लोग उतना ही लिखेंगे जितना मार्क्स हमें मिलने वाला है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 6 मार्क्स 5 मार्क्स का आंसर नहीं लिखेंगे हम लोग। तो हमने इसमें तीन चीज ही ऐड की है, कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी में भी शायद कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वाटर पानी, सनलाइट धूप की रोशनी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स गेट CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा। प्लांट्स को जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है एटमॉस्फेयर में, हमारे हवा में, एटमॉस्फेयर में ही है। कैसे मिलती है? स्टोमाटा, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा ना स्टोमाटा के बारे में, तो स्टोमाटा जो है वो उसे ट्रैप कर लेती है, खींच के रख लेती है। नेक्स्ट स्टेप वाटर, प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, मट्टी से पानी खींच लेता है प्लांट्स थ्रू रूट्स, रूट्स के जरिए एंड ट्रांसपोर्ट टू लीव्स, और फिर जाइलम के थ्रू लीव्स में पहुंचा देता है। दूसरा है, तीसरा है सनलाइट, सनलाइट विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सनलाइट जो है, धूप की रोशनी बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो धूप की रोशनी को क्लोरोफिल ट्रैप करता है। क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन पिगमेंट होता है, याद रखेंगे क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करता है। बिना धूप के, रोशनी के, कोई भी केमिकल जो है वो एनर्जी में चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए सनलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के लिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसके आगे बढ़ते हैं, व्हाट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन इन योर बॉडी। चलो इतना देर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे ना, अभी अपने बारे में बात करते हैं। सो व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है? हमारा जो ब्लड है वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है ना, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लास्टिड्स, बहुत सारी चीज़ों से हमारा ब्लड बना है, खून बना है। उसमें हेमोग्लोबिन जो है ये एक ऐसी रेड कलर की एजेंट है जो कि ब्लड को रेड बनाती है, वरना हमारा ब्लड वाइट, ग्रीन, पिंक, ब्लू, किसी भी कलर का हो सकता था। तो ये जो हेमोग्लोबिन है वो खून के रंग की एक पक्की चीज़ है, जो कि हेमोग्लोबिन ना हो तो हमारा शायद ब्लड सही ना हो, ढंग का ना हो, कलर ना हो ऐसा, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में कलर देता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें देता है। सो व्हाट वुड बी द कंसीक्वेंस, क्या इसका परिणाम हो सकता है कि हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन कम हो जाए, हमारे बॉडी में अगर खून की कमी हो जाए, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। The deficiency of hemoglobin in our body is called anemia. हमारे body में blood का कमी होना, इस बीमारी को हम लोग anemia कहते हैं। In anemia, the blood is unable to carry the sufficient amount of oxygen required by the body. Anemia में क्या होता है? हमारे body में of course blood कम है, ठीक है। अब ब्लड कम है तो क्या हो रहा है? जितने भी चीज़ें हम लोग हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो तो हमारा ब्लड ही कैरी करता है ना,
हमारे बॉडी में जो हमारी एनर्जी चाहिए होती है, ऐसे ही तो हवा यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा होता है, O2 ब्लड में मिक्स होके घूम रहा होता है। तो जब खून कम है तो ऑक्सीजन भी ऑफ कोर्स कम है रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, सो रेस्पिरेशन वुड बी लेस। रेस्पिरेशन कम होगी, ऑक्सीजन कम है तो एनर्जी कम मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम मिल रहा है, विल बी अवेलेबल टू द बॉडी। क्या क्या कम मिलेगा हमें? रेस्पिरेशन कम मिलेगा, जिसकी वजह से एनर्जी कम मिलेगी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही कम है। द हेमोग्लोबिन डेफिशियंट पर्सन विल फील वीक, पेल, लेथार्जिक एंड विल बी अनएबल टू परफॉर्म हैवी फिजिकल वर्क। जितने भी हेमोग्लोबिन डेफिशियंट पर्सन होंगे, जिनको एनीमिया नाम की बीमारी है, वो सभी बहुत ही वीक फील करेंगे, कमजोर महसूस करेंगे, पेल लगेंगे, उनके स्किन में शाइन नहीं होगी, बहुत मुरझाए मुरझाए से लगेंगे, और लेथार्जिक होंगे। लेथार्जिक का मतलब होता है वो लोग जो हमेशा थके थके से महसूस करते हैं, जिनके बॉडी में एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है, और जो लोग अनेबल टू परफॉर्म हैवी फिजिकल वर्क, जो लोग कंटिन्यूसली या फिर हैवी फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, किसी भी भारी चीज़ को उठा नहीं पाएंगे, या हमेशा टायर्डनेस फील करेंगे, सोए सोए से रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, इस तरह के जो लोग हैं उनको एनीमिया होती है। ठीक है, एनीमिया वाले पेशेंट को ये सिम्टम्स होते हैं, और एनीमिया होने का मतलब आपके बॉडी में खून की हेमोग्लोबिन की कमी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपेरेंट एक्टिविटी वी नीड एनर्जी जस्टिफाई गिविंग रीजन। जब हम लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे होते हैं, इवन वेन वी आर नॉट डूइंग एनी apparent एक्टिविटी, कोई खास काम नहीं कर रहे हैं, उठा पटक का काम नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आप जब सोए रहते हो तो भी आप का जो खाना है वो पूरा डाइजेस्ट हो गया होता है, आप उसको एनर्जी को पूरा कंज्यूम कर लिए होते हो, सो के उठते हो तो फिर से भूख लगी होती है, ऐसा क्यों होता है? सो अ लॉट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज कंटिन्यूसली अकरिंग। अच्छा, आप लोग भले फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम लोग खाना खा के भले दौड़ने भागने कूदने या फिर और कोई काम, मार्केट करने नहीं जा रहे, स्कूल नहीं जा रहे, ट्यूशन नहीं जा रहे, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो कंटिन्यू चल रही है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसको आप स्टॉप नहीं कर रहे हो, कर भी नहीं सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली हो रही है, चल रही है, इस कंटिन्यूअसली अकरिंग इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क। जब हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं तभी भी चल रही है ना। अभी आप क्या कर रहे हो? आप बैठ के पढ़ रहे हो, बैठे हुए हो आराम से, आपका सिर्फ ब्रेन काम कर रहा है, मतलब फेशियल थिंग्स काम कर रहे हैं, आपके आईज, आपके ईयर्स और आपका ब्रेन, ये तीन चीज। अगर आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो तो आपका हैंड्स वर्क कर रहा है, इतना ही। आप कुछ हैवी काम नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो तो कंटिन्यू चल ही रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, ब्लड सर्कुलेशन, ऑल ऑफ देम रिक्वायर एनर्जी। सभी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उन सबको भी पूरा होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू वेज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पे कितना घुमा के क्वेश्चन किया गया है। टू वेज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करना या ना अब्सॉर्ब करना, है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप डायरेक्टली अगर पूछता तो ये भी तो बोल सकता था कि टू डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, पर नहीं, हमें क्या पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से दो तरीके हैं जिससे ऑक्सीडेशन का पर्पस होता है, काम होता है, और वो जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो ऑर्गेनिज्म में होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बींग्स हो चाहे प्लांट्स हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर ऑर्गेनिज्म है, नॉन लिविंग में तो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, लिविंग बींग्स भी ऑर्गेनिजम्स ही हैं, तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ऑर्गेनिजम्स का काम होता है, मतलब कि सॉरी ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन का काम होता है, और किन दो तरीकों से होता है, और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये था हमारा क्वेश्चन। आंसर इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन, देयर इज कंप्लीट
breakdown of respiratory substrat from sorry with the help of oxygen, the products being CO2 and H2O. So यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन है, जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं, उन सभी चीजों का ब्रेकडाउन जो है रेस्पिरेटरी सब्सटेट से होता है और ऑक्सीजन के हेल्प से होता है. एरोबिक मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे भरपूर है. द प्रोडक्ट्स बीइंग CO2 एंड H2O, इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, याद रखेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है, और साथ ही साथ जो सब्सटीट्यूट हमारे पास है CO2 और H2O में, उसका एंड प्रोडक्ट हमें मिलता है. नेक्स्ट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. देयर इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रैट ड्यू टू नॉन यूज ऑफ ऑक्सीजन विद एटलीस्ट वन प्रोडक्ट बींग ऑर्गेनिक. तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, पूरी तरह से पूरा टूटा नहीं होता है वो चीज, कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है रेस्पिरेटरी सब्सट्रैट ड्यू टू नॉन यूज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, नॉन यूज ऑफ ऑक्सीजन विद एटलीस्ट वन प्रोडक्ट बींग ऑर्गेनिक, जिसमें एटलीस्ट एक प्रोडक्ट जो हमें मिलती है वो होती है ऑर्गेनिक. एनर्जी, कितनी एनर्जी मिलती है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें 38 ATP मॉलिक्यूल मिलती है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और यहाँ पे सिर्फ 2 ATP मिलती है, ठीक है. एरोबिक में 38 ATP मॉलिक्यूल्स, एनारोबिक में 2 ATP मॉलिक्यूल्स. बस यही दो डिफरेंसेस हमें बताने थे जो कि ऑर्गेनिजम्स में टू वेज ऑफ ऑक्सीडेशन में होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की यूज होती है, एनारोबिक में नहीं होती है. एरोबिक रेस्पिरेशंस में जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो सब शामिल होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. देखो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है, हाउ डू दे मतलब कौन, हम आप प्लांट्स कौन, तो यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो ऑफकोर्स आप और हम नहीं कर रहे, प्लांट्स ही कर रहे, तो ये जो दे है वो है प्लांट्स, ठीक है. यहाँ पे प्लांट्स के बारे में हमें बात करना है. हाउ डू दे टेक अप, हाउ डू प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग नाइट, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड सारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है व्हेन स्टोमाटा आर ओपन, जब स्टोमाटा खुले हुए होते हैं. रात में जो लीव्स हैं उसके अंदर के स्टोमाटास जो हैं ऐसे बंद रहते हैं, दिन भर ऐसे बंद हैं, सुबह के रात के टाइम ऐसे खुल जाते हैं, और खुल जाते हैं तब सारा CO2 जो है वो इंसर्ट कर जाता है प्लांट के अंदर. इट इज फिक्स्ड इन मैलिक एसिड, अंदर जाके वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रॉम विच द सेम इज रिलीज्ड ड्यूरिंग डे टाइम फॉर परफॉर्मिंग कैल्विन साइकिल एंड लाइट. और उसके बाद कैल्विन साइकिल परफॉर्म होता है लाइट में, सुबह में जब धूप की रोशनी मिलती है तब वो मैलिक एसिड जो है वो पूरा अपना फंक्शनिंग शुरू करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और कैल्विन साइकिल लाइट में हो पाती है. देखो, और ये वाली जो कैल्विन साइकिल है ना, ये मोस्टली कब होती है, कहाँ होती है, डेजर्ट एरियाज में होती है, ठीक है. डू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, कई बार एक चीज आती है कि कैल्विन साइकिल ऑफ लाइट हैपेंस इन विच स्टेट या विच कंट्री या विच टाइप ऑफ जोन, तो आप उसमें डेजर्ट एरियाज लिख सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसलोकेशन. अच्छा, दिस इज नॉट क्वेश्चन 14, वॉट इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन क्या होती है, हाउ डज इट टेक प्लेस इन प्लांट्स. ट्रांसलोकेशन क्या होती है और ये प्लांट्स में किस तरह से होती है, क्या प्रोसेस है इसका. सो ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फ्यूड इन सॉल्यूशन फॉर्म इनसाइड फ्लोएम फ्रॉम रीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस. अच्छा, ट्रांसलोकेशन जो है ना वो ट्रांसफर होती है चीजों की. कैसे ट्रांसफर होती है, आप जो खाना बन रहा है वो लीफ में बन रहा है, किचन है प्लांट का लीफ, यहाँ पे खाना बन रहा है, अब इसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में सर्व करनी है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को सर्व करनी है, तो कैसे होगा, एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाया जा रहा है,
ठीक है, लीफ से उठा के स्टेम में ले जाया जा रहा है, लीफ से उठा के रूट्स में दिया जा रहा है, लीफ से उठा के फ्रूट्स में दिया जा रहा है, सीड्स में दिया जा रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजना, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। नाउ ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड इन सॉल्यू, न्यूट्रिएंट्स या फूड जो भी बन रहा है किचन में, ठीक है, तो उसे सॉल्यूशन के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, इनसाइड द फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर रीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, रीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ से उठा के टू द एरिया ऑफ कंजम्पशन, वहां भेजना जहां उसे कंज्यूम होना है, खर्च होना है। लीफ में बना स्टेम कंज्यूम करेगा बड़ा होने के लिए, फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे बड़े होने के लिए, फ्लावर्स कंज्यूम करेंगे फ्यूचर में फ्रूट बनने के लिए, है ना। तो इस तरह की चीजों में जहाँ कंज्यूम होने वाला है, कंजम्पशन होने वाली है, यूज होने वाली, खपत होने वाली है, उस जगह में पहुंचाना। फॉर ट्रांसलोकेशन फूड मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रिएंट्स एंटर फ्लोएम एक्टिवली, ट्रांसलोकेशन के लिए जो फूड मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फ्लोएम में बहुत ही तेजी से, बहुत ही एक्टिवली एंटर करते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर बनाते हैं एंड पास टू द एरिया ऑफ यूटिलाइजेशन, और जहां जरूरत पड़ने वाली है वहां पे चले जाते हैं, यूटिलाइजेशन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। इन अ मास फ्लो वेयर एक्टिव विड्रॉल अकर्स, जहां पे जब मास फ्लो में जाते हैं, बहुत अच्छे खासे क्वांटिटी में जाते हैं, जहां पे ये सारी चीजें आकर होने वाली होती हैं, विड्रॉवल होती हैं, लीफ से आके बाकी जगह पे चली जाती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज, नेम थ्री डिफरेंट ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस, आल्सो नेम देयर सीक्रेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर कंसेक्यूटिव ईयर में देखा गया है कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पार्ट है ना उसका निचोड़ है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने 2012 इंक्लूड भी किया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड ईयर आती ही है। थ्री ग्लैंड्स, ऐसे तीन ग्लैंड बताने हैं हमें जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ग्लैंड्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के जो कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा है वीडियोस में, आप देखना उनमें तो पता चलेगा। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि कुछ एंजाइम्स या कुछ हार्मोन्स सिक्रीट कर रहे होते हैं, पैदा कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं हमारे बॉडी को, जिसके वजह से डाइजेस्टन जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जो वर्क हो रहा है, डाइजेशन का जो काम हो रहा है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। सो थ्री ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम आर एज फॉलोज, कौन कौन से ऐसी तीन चीजें हैं, तीन ग्लैंड्स हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे मुंह में होती हैं, माउथ में होती हैं, यहाँ पे स्पेशली टंग के नीचे वाले पार्ट में होती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड्स, और यहाँ पे होती है साइड्स में होती है, ठीक है। सलाइवा कंटेन इज प्रोड्यूस्ड इन माउथ, सलाइवा बनाती है ये सैलिवरी ग्लैंड्स, सलाइवा बनाती है, हिंदी में कहें तो थूक, ठीक है, जो हमारे माउथ में किसी भी डिलीशियस फूड को देखने के बाद बहुत जल्दी आ जाती है सलाइवा। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमिलेस, सलाइवा के अंदर एक ऐसी एंजाइम होती है, एक ऐसी तत्व होती है जिसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी एमिलेस, विच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर, जो कि हमारे डाइजेशन में इस तरह से हेल्प करती है कि हमारे फूड में जो भी स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग जो खा रहे हैं वो प्लांट से ले रहे हैं ना, और प्लांट जो है अपना फ्रूट बना रही है, वेजिटेबल्स बना रही है, वो कैसे बना रही है, स्टार्च जमा कर करके, तो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको शुगर में चेंज कर देती है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड से निकला हुआ सलाइवा, जिसमें एक एंजाइम होती है जिसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी एमिलेस, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है, किस तरह से हेल्प करती है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करके, चेंज करके। द नेक्स्ट इज लिवर, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है लिवर, विच सिक्रीट्स बाइल जूस, हमारे लिवर में एक बाइल जूस बनती है, जूस एंजाइम, विच पोर्स इट्स सिक्रीशन इन द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लिवर में बनती है पर स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है। बाइल मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्कलाइन सो दैट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन एक्ट ऑन इट।
बाइल क्या करती है, बाइल जूस जो है ना वो हेल्पिंग है, मतलब साइड इफेक्ट, साइड से हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जो भी हम लोग एसिडिक फूड खा रहे हैं, कुछ ऐसी फूड खा रहे हैं जिससे हमारी खट्टी खट्टी डकार आ सकती है या एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकती है, उन फूड्स को क्या करती है, कमिंग फ्रॉम स्टमक, पेट से जो चीज़ें आ रही है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना हमारा खाना, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है, हम लोग जो खाना मुँह से खा रहे हैं सॉरी ये पाइप से पार होती है, यहाँ से एसोफेगस से पार होती है, हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे मिलता है बाइल जूस जो कि लिवर ने बनाया था। वहां पे क्या होता है, उसका एल्कलिनिटी को कम कर दिया जाता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ताकि उसमें एक्ट कर सके। बाइल सॉल्ट्स ऑल्सो ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इंटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। बाइल जूस जो है फैट्स पे काम करती है, फैट्स पे मतलब हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें कितना फैट कंटेंट है, कोई भी खाना जो हम लोग खा रहे होते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप बटर खा रहे हो तो ऑफकोर्स फैट्स खा रहे हो, तो फैट्स जो हम लोग खाते हैं जो हमें मोटू कर सकती है, वैसी चीज़ें जो खा रहे होते हैं उसको, उस पर काम करती है बाइल जूस। कहाँ पर काम करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। द लास्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इज ऑल्सो अ लार्ज ग्लैंड। पैनक्रियाज भी हमारे बॉडी का एक बहुत ही बड़ा ग्लैंड है, लार्ज ग्लैंड है, जो कि पैनक्रियाटिक जूस बनाता है इनटू द ड्यूडेनम। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, पैनक्रियाटिक जूस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखो फोर चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी है वो फोर चीज़ें, पैनक्रियाटिक एमिलेज विच ब्रेक्स डाउन द स्टार्च, जो कि स्टार्च को शुगर में चेंज कर देती है। शुगर जो है ना वो इजीली हमारे ब्लड में मिक्स होने वाला कंपोनेंट है, ठीक है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्च जो है वो बहुत प्योर चीज़ है, इतनी जल्दी हमारे ब्लड में मिक्स नहीं होता है, नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसे शुगर में चेंज करना पड़ता है। और शुगर में चेंज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है लाइफ प्रोसेस के चैप्टर के जब एक्सप्लेनेशन चल रहे थे। सो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम इसमें होता है बाइल जूस में, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे बाइल जूस फैट्स में हेल्प कर रहा था, वैसे ही पैनक्रियाज का जो पैनक्रियाटिक जूस है वो प्रोटीन को ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। लिपेस विच ब्रेक्स डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स। लिपेस नाम का एक एंजाइम है जो कि फैट्स को इमल्सिफाई करने में, कमजोर करने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट इज पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम में भी हेल्प करता है, हमें एसिडिटी होने से बचाता है। अगर इनफ क्वांटिटी ऑफ पैनक्रियाटिक जूस बन रहा है आपके बॉडी में, दैट मींस, और अगर आप कम खा रहे हो तो, लाइक ऐसा नहीं है कि आप दिन भर समोसे खाओगे लेकिन आपको एसिडिटी नहीं होगी, इट्स नॉट ट्रू, क्योंकि आपका जो पैनक्रियाज है वो उतना ही देर वर्क करेगा जितना उसे करना होगा या जितना उसे देना होगा। इट डजेंट मैटर कि आपके टंग को कितना टेस्ट चाहिए, पैनक्रियाज का जो वर्क है वो उतना ही कर सकता है, उतना ही उसकी कैपेबिलिटी है। तो इफ़ यू आर ओवर हीटिंग, तो अल्कलाइन मीडियम चाह के भी कम नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको ऐसा मीडियम ऑफ फूड रखना पड़ेगा जो आपके लिए बेटर है, अच्छी है। इसीलिए बैलेंस्ड डाइट खाना इस बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छी चीज़ें खाओगे तो अल्कलाइन मीडियम ऑफकोर्स कम हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पैनक्रियाटिक जूस को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस का एक काम ये भी है कि वो अल्कलाइन मीडियम कम करता है, एसिड, अल्कलाइन मतलब एसिडिटी होने वाली जो चीज़ें होती है ना हमारे बॉडी में, उन सब के साथ भी रिएक्ट करता है। आई होप ऑल दीज क्वेश्चन आर अंडरस्टैंडेबल नाउ, आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे उसे आंसर करना होता है। स्टिल अगर इन 10 क्वेश्चंस में से, आज हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में बात किया है, अगर ये 10 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल आंसर यू ऑल। और अगर इसके बाद हमें जो डिस्कशंस करने, अच्छा एक और सेशन हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत बड़ा है ना, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, और सभी के बारे में डिस्कशन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक और लाइव सेशन करेंगे जिसमें हम लोग इसकी के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे और ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे। और अगर इसमें से कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए जो आपको सॉल्व करना है या मुझे कमेंट में बतानी है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशंस कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। टू टू एग्जांपल्स देना है आपको,
ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है. दिस विल बी योर होमवर्क. टिल देन कीप स्टडिंग. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. बाय.